विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। हमारी असल पताका खंडित कैसे हो गई? ये बाढ़ तो महाराज शुंभ की ओर बढ़ रहा है। यदि आपके बाण से शुंभ निशुंभ को तनिक भी क्षति पहुंची, तो देवासुर संग्राम यहीं पर आरंभ हो जाएगा। पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो। तथास्तु, 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 तथास्तु। भले ही ब्रह्मा जी ने शुंभ को अमृतत्व होने का वरदान नहीं दिया, किंतु जो वरदान दिया वो भी अमृतत्व से कम नहीं था। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः शुंभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से? भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? तुम भी नहीं समझे ना भ्राता निशुंभ, तो सुनो, जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो के निशुंभ, मेरा वध भी असंभव हो जाएगा। अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। देखा निशुंभ, मैंने कितनी चतुराई से ब्रह्मदेव से अपना अमरत्व प्राप्त किया है। उचित है प्रातः शुंभ, मैं तो नहीं समझ सका, किंतु आपका यह आशय ब्रह्मदेव क्यों नहीं समझ सके? वो समझे अथवा नहीं, उन्होंने तो मुझे वरदान दे ही दिया है, अर्थात मैं शुंभ अमर हो गया हूं, अमर हो गया हूं, अमर हो गया हूं, अमर हो गया हूं। तुम सभी को अपने नवीन महानायक शुंभ और उनके भ्राता का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। अब मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ को असुरों के महानायक का पद सौंपता हूँ। असुर महाराज शुंभ की जय। 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 असुर महाराज शुंभ की जय हो। असुर महाराज शुंभ की जय। विजयी भव। मुझे अपना राजा नहीं अपना बंधु समझना, मैं यहाँ राजा बंदे नहीं आपका मित्र सहयोगी बनने आया हूँ। आज से मेरी प्रत्येक श्वास, मेरा प्रत्येक कर्म, मेरे जीवन का एक एक पल मात्र और मात्र
असुरों की भलाई और उत्थान के लिए समर्पित होगा। असुर महाराज शुंभ की जय हो। असुर महाराज शुंभ की जय। असुर महाराज शुंभ की जय हो। असुर महाराज शुंभ की। असुर महानायक शुंभ, अब तुम्हें अपने सेनापति का चुनाव करना है। मेरे सेनापति कौन होंगे? ये तो स्पर्धा के समय ही निश्चित हो गया था। गुरुदेव, मेरा अभिन्नांग बनकर सदा मेरा साथ देने वाला मेरा महापराक्रमी भ्राता निशुंभ मेरा प्रधान सेनापति होगा। असुर महानायक, निर्धारित करने की स्पर्धा में रक्त बीज हमसे पीछे थे, इसलिए वो भी मेरे प्रधान सेनापति होंगे। और उनके पीछे थे महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन, इसलिए मैं इन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। असुर महाराज शुंभ की जय। 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 अन्य सारे योद्धा मेरे असुर सेना के अंग बनेंगे और हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा देवताओं की पराजय और असुरों की विजय, असुर समुदाय का उत्थान। बोलो असुर शक्ति की जय। असुर शक्ति की जय। आज समस्त संसार को विज्ञात होना चाहिए कि असुरों को उसका नवीन और समर्थ महानायक प्राप्त हो चुका है, और ये सूचना मैं दूंगा उन्हें। असुरों की इस पताका को अभी नष्ट करूंगा मैं, उनका उत्साह नहीं बढ़ने दूंगा। भैया, ये आपने क्या कर दिया? अब तो वहां संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हुआ? हमारी असुर पताका खंडित कैसे हो गई? ये कैसे अनिष्ट का संकेत है?
तो कदाचित देवताओं को ज्ञात हो ही गया। उनकी इस उदंडता का भी उचित दंड दूंगा उन्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? मुझे आभास हो रहा था कोई दिव्य शक्ति अवश्य उपस्थित थी, जिसे मैं देख पाने में असमर्थ रहा। दिव्य शक्ति? कैसी दिव्य शक्ति गुरुदेव? ये बाण तो अब यहीं बढ़ा आ रहा है। भैया, ये क्रोधवश आपने क्या कर दिया? ये कपटी और छली असुर केवल इसी के अधिकारी हैं। अरे, ये बाण तो पताका को नष्ट कर अब हमारे असुर महाराज की ओर बढ़ रहा है। ये तो घोर संकट है। स्वयं पर आघात लूंगा, रोक दूंगा इस बाण को। असुर महानायक शुम का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। भैया, यदि आपके बाण से शुंभ निशुंभ अथवा किसी अन्य असुर को तनिक भी क्षति पहुंची, तो देवासुर संग्राम यहीं पर आरंभ हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। उचित कहता है गणेश, यदि अभी देवासुर संग्राम हुआ तो क्षति देवताओं को ही पहुंचेगी। यदि इस बार का लक्ष्य हम पर ही है तो इसका प्रहार मैं अपने तन पे सहूंगा, ताकि मेरी रक्त की बूंदों से अनेक रक्त बीज उत्पन्न होकर असुर सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। मुझे क्षमा करना गणेश, क्रोध के प्रभाव में अपना धैर्य खो बैठा था मैं। मुझे ज्ञात था यहां हमारे मध्य किसी अवांछित उपस्थिति का आभास था मुझे। कोई दिव्य शक्ति थी गुप्त रूप से यहां पर और हमें आभास भी नहीं हुआ। हमारी पताका खंडित कर दी उस शक्ति ने। अपमान किया है असुर शक्ति का। कदाचित असुरों पर संकट का संकेत है ये। आप इतने चिंतित क्यों हैं, असुर गुरु? चिंतित क्यों हूं मैं? असुर महानायक शुंभ, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कोई दिव्य शक्ति थी, फिर भी ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। चिंता त्याग दीजिए असुर गुरु, देखिए आपके समक्ष कौन है। मैं शुंभ, सर्वशक्तिशाली शुंभ, जिसे आपने अभी असुरों का महानायक घोषित किया है। असुर गुरु, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पराक्रमी सेनापतियों और योद्धाओं का साथ मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो जो भी कोई था उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरे नेतृत्व में मेरी असुर शक्ति अब महाशक्ति बन चुकी है। छिपकर हम असुरों पर घात करना, ये देवताओं के ही लक्षण है भ्राता। हमें लगता है ये भी किसी देवता का ही छल है। छल और बल में भारी तो बल ही पड़ेगा भ्राता निशुंभ। एक बाण से हम भयभीत नहीं होंगे। ये जिसने भी किया है, देवता या दिव्य शक्ति, उसे उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा। असुर विरोधियों को ये मेरी चेतावनी है।
असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। शुंभ का आत्मविश्वास सराहनीय है, किंतु मेरी चिंता तो तभी शांत होगी जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित होंगे। मुझे आभास हो रहा है भैया, संकट निकट है। हमें शीघ्र देवराज इंद्र का आवाहन कर उन्हें भी सचेत करना चाहिए। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को इस संकट के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए था। देवराज इंद्र, मैं प्रथम पूज्य गणेश आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने हेतु आपका आवाहन करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। गणेश जी, आप कुमार कार्तिकेय और ऋषि मार्कंडे के साथ अभी तक यहीं पर स्थित हैं? मेरा तो अनुमान था कि आप अब तक लौट गए होंगे। महादेव, और ये महादेव भी अपने मतंग रूप में अभी तक यहीं पर स्थित है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देवराज, माता श्री महाकाली ने अपने दसों महाविद्या स्वरूपों को हमारे समक्ष अवश्य उजागर किया, किंतु कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि माता सर्वप्रथम माँ मातंगी रूप में क्यों प्रकट हुईं? देवराज इंद्र, आप सभी के प्रस्थान के पश्चात माता ने अपनी ज्ञान की शक्ति गणेश को प्रदान की। और अपनी आगे की शेष कथा बताने का दायित्व तो भी उसे सौंपकर वो अचानक अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के उपरांत हम महादेव से ज्ञात करने यहाँ पहुंचे कि माता एकाएक कहाँ चली गई, किंतु यहाँ पाया कि महादेव अभी भी ध्यान में लीन है। हाँ देवराज, हम इस सब पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी भूकंपन आरंभ हुआ, और जैसे ही हम उसका स्रोत ढूंढने निकले तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ। रहस्य? हाँ देवराज, देवताओं के विरुद्ध असुर पुनः संगठित हो चुके हैं। अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की। इस सम्मेलन में एक नहीं अपितु अनेक शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। असुर गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में असुरों का ऐसा महासम्मेलन? ये सावधान रहने का समय है देवराज, संकट समक्ष है हमारे, क्योंकि भयंकर बलशाली असुरों समेत शुंभ और निशुंभ का भी उदय हो चुका है। किंतु गणेश जी, कौन है ये शुंभ निशुंभ? नमुची के भ्राता है ये दोनों शुंभ निशुंभ। वही नमुची इंद्रदेव जिसका वध आपने सागर के फेन से किया था। गणेश जी, देवताओं के लिए महासंकट बन चुका था नमुची, जिस कारण मुझे उसका वध करना पड़ा। हमारा घोर शत्रु था वो, और अब उसी नमुची के भ्राता देवताओं के लिए और भी घोर शत्रुता का भाव लेकर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने प्रस्तुत हुए हैं। हमें ज्ञात करना होगा कि इन असुरों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये। गणेश जी, लालच तो असुरों की प्रवृत्ति है, उन्हें कितना भी क्यों न प्राप्त हो जाए वो सदैव स्वर्ग पर अपना घात लगाए रहते हैं। स्वर्ग को हमसे छीन कर वहां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। गणेश जी, इससे पूर्व की शुंभ निशुंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें ही उन पर आक्रमण कर उन्हें कुचल देना चाहिए। गणेश जी,
कदाचित आपने यही सुझाव देने मुझे यहाँ बुलवाया होगा, किंतु गणेश जी आप चिंता मत कीजिए, मैं देव सेना को एकत्रित कर शुंभ निशुंभ के विनाश को सुनिश्चित करता हूँ। देवराज, इतना सरल नहीं है उन असुरों का विनाश, इतना सहज नहीं है इस समस्या का समाधान। सेनापति कुमार कार्तिकेय, मैं कुछ समझा नहीं। आपके नेतृत्व में देव सेना इन दुष्टों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवराज, शुंभ निशुंभ का वध एकमात्र माता के हाथों से ही संभव है। हाँ, ब्रह्मदेव का वरदान है इन्हें कि इनका अंत स्त्री शक्ति से ही हो सकता है। स्त्री शक्ति अर्थात कोई भी देवता इनका वध नहीं कर सकता। और जब तक माता स्वयं अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती और इन असुरों से युद्ध कर उनका अंत नहीं करती, तब तक आपका सावधान रहना अति आवश्यक है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए देवराज कि इस बार मात्र इन दो असुर शुंभ निशुंभ से ही आपका सामना नहीं, अपितु इनके साथ असुर सेनापतियों के रूप में असुर महायोद्धाओं का एक संपूर्ण समूह है। संकट आने के पूर्व उसके समाधान पर विचार करना ही बुद्धिमानी है। शुंभ के महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया इंद्रदेव ने भैया। इन देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। सृष्टि पर जब पड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।